तो फ्रेंड, फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। सविता एंड विजय के ब्लॉग फिर से एक आ गया नया से। तो आज मैं पार्ट टू दिखाने जा रही हूँ। पार्ट वन उस दिन में जो भात खिलाया गया था, 7 महीना का हो गया था बेबी बॉय, तो आज मैं वो मामा का घर में आया। उस दिन तो मामा उन लोग के घर पे गए थे ना खाने के लिए, तो आज मामा का घर पे वो लोग आया है खाने के लिए, तो मैं भी जाके पहुंची हूँ। और पहुंचने के बाद में दादू जो है, दादू खिलाएंगे। तो साग भात का नियम होता है, तो वो साग भात के साथ साथ बहुत सारा आइटम बनाया था मम्मी ने। तो देखिए, इधर में मटन बन रहा है, इधर में टमाटो चटनी बना दिया है, और इधर में देखिए कितना सारा, देखिए यहाँ पे पूरा 5-6 वेराइटीज़ का भाजा है यहाँ पे, बैंगन का, आलू का, पटल का, सब का, मतलब 5 आइटम है यहाँ पे। और 5 आइटम को बहुत अच्छी तरह से मम्मी ने बनाया। और इधर में बच्चे लोग पूरा खेलने में बिजी हो गए थे, तो अच्छा ही लग रहा था। ये हम लोग का छोटा सा, मतलब मेरा ये ससुराल है। तो देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोग का, हम लोग का शाम का ऐसे ही है। और यहाँ पे देखिए मामा भी आए थे, तो इधर में सब बैठा हुआ था फ़ैन के नीचे, और नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा आराम लगता है फ्रेंड, जितना भी हो। मुझे तो ज़्यादातर तो नीचे ही बैठ के खाने में, नीचे बैठ के काम करने में हर, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है, और बता नहीं सकते हम। और यहाँ पे मम्मी पूरा अच्छा से खाना वाना पूरा रेडी कर रही है, ये बेबी बॉय के लिए रेडी हो रहा है। बट वो इतना खाएगा तो नहीं, लेकिन रेडी किया जा रहा है, नियम तो नियम, इसीलिए उसका नियम आज है तो कर दिया जाएगा। और ये थाल उसके मामा के तरफ से गिफ्ट उसके लिए, और छोटा सा बाल्टी और चम्मच है, उसमें दही रख दिया जाएगा, और इधर एक छोटा सा गिलास दिया है तो उसमें पानी दिया जाएगा बेबी बॉय को। और मम्मी पूरा अच्छी तरह से देखिए कितने प्यार से निकाल रही है आलू दे के मछली बनाई है। और मम्मी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, बता नहीं सकती हूँ, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन जितना भी हो पेरेंट्स का बनाया हुआ खाना और हम लोग का बनाया हुआ खाना बहुत डिफरेंट होता है, जितना भी हो टेस्ट का डिफरेंट। देखिए फ्रेंड कितना लजीज खाना सब रेडी हो गया है, मुझे तो इतना यम्मी लग रहा था, मेरा तो उस टाइम में मन कर रहा था खाने के लिए, लेकिन पहले नियम हो जाने के बाद ही खाया जाएगा। तो देखिए इतना सारा वेराइटीज़ बना। और ये रहा बेबी बॉय, इसको भी सजा दिया गया है, और देखिए दादू के पास चला गया, ये अभी दादू ही नियम करेंगे, तो दादू को देख रहा है। और इसका एक नियम है, मतलब उस दिन में भी वो ज़्यादा रो रहा था, ये जब भी मतलब हम लोग को झुकार दिया जाता है, मतलब देते हैं, तो उस टाइम में वो डर जाता है, तो इसीलिए आज हम लोग ने प्लानिंग किया, आज इसको झुकार नहीं देंगे, पहले इसको अच्छा से खिला देंगे, खिलाने के बाद लास्ट में जाके देंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सब रेडी है, गर्मी तो इतना ज़्यादा था, और मुझे जाना था काम पे, तो काम पे जाना था, तो इसीलिए मैं भी मतलब बहुत थकी हुई थी, मतलब सोच रही थी क्या करूँ ना करूँ, तो इधर का नियम भी था, इसलिए मैं यहाँ पे नियम पे आ गई, और नियम के बाद डायरेक्ट मैं काम पे चली गई। तो दो था मेरा कैंप, दो अवेयरनेस कैंप था, तो इसीलिए मैं क्या की, एक अवेयरनेस कैंप को कैंसिल की और दूसरा अवेयरनेस कैंप को अटेंड की, क्योंकि फैमिली भी देखना ज़रूरी होता है, काम के साथ फैमिली भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं फ़र्स्ट अपना फैमिली को टाइम दी, और सेकेंड जो टाइम था वो मैंने अपना कैंप में दिया। और फिर वहाँ से मतलब कैंप का जो जर्नी था वो तो पता ही है, कल भी गए थे और फिर आज भी मेरा वो कैंप का था। तो यहाँ पे देखिए इसका भी नियम किया जाएगा, और फ्रेंड हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कैसा रहा ये वाला मेरा ब्लॉग। और देखिए दादू खिला रहे हैं कितना प्यार से, और बच्चा ऐसे भी फर्स्ट टाइम खाता है तो उसका रिएक्शन अलग ही रहता है, तो उसका वैसे ही उसका भी रिएक्शन था, क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब वो सोच रहा है, मतलब ज़्यादा गहरा सोच में चला गया है। तो दादू भी बहुत हैप्पी है, मतलब उसको लेके दादू भी, तो देखिए एज के हिसाब से जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग मैच्योर है तो हम लोग अभी समझ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलते जाता है मम्मी पापा लोग का, तो वो लोग भी एक बच्चा का रूप ले लेता है, तो उस टाइम में उन लोग भी बच्चा का जैसा ही, मतलब जो तो बोल देगा, तो उस टाइम जब पेरेंट्स बोलते हैं ना, तो रिएक्शन हम लोग का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी तो छोटे टाइम में अपने मम्मी पापा को परेशान करते थे, तो मम्मी पापा लोग कैसे हैंडल करते थे, ठीक उसी तरह अभी उन लोग का भी एज हो गया है, तो उन लोग भी तो उन लोग का भी नादानी
बचपना बोलते हैं ना, बुढ़ापा में एक बचपना आ जाता है, तो इसीलिए वो बचपना उनके अंदर आ जाने से भी अगर उस टाइम में वो रिएक्शन करते तो हम लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बहुत हैप्पी थी, मुझे इस भी टाइम नहीं मिलता है इसीलिए मैं भी नहीं आ पाती हूँ, काम वगैरह ये सब इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना फ्रेंड कि मैं मतलब मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। और मेरा ऐसे भी बहुत सारा काम है, केक बनाना होता है, कभी कभी मेरा केक ऑर्डर रहता है, कपड़ा स्टिच करना होता है। फाइनली इधर में ये देखिए रो दिया तो इसको इस टाइम में रोने का इसका रीज़न है कि झुकाड़ दिया गया था और झुकाड़ के वजह से इतना शोर हुआ तो इसीलिए। और ये देखिए मामा का फैमिली, पूरा टोटली फैमिली आ गया, तो सब कोई बैठा था पापा के साथ में। मैंने इन लोगों का फ़ोटो क्लिक कर दिया, ये लड्डू गोपाल का भी फ़ोटो क्लिक करने के बाद में इतना मतलब शैतानी कर रहा था और करने के साथों साथ मतलब देखिए कितना नटखट है, कृष्णा ही है, सेकेंड कृष्णा ही दिख रहा है और सब हंस रहा है उसको देखिए। और पापा को बोला गया है। तो फ्रेंड देखिए अभी हम लोग का मीटिंग ख़त्म और मैं वहाँ से नियम वियम ख़त्म होने के बाद फिर काम पे आ गई। और काम पे आने के बाद ये देखिए हम लोग चटक मटक कर रही है और हम लोग दोनों चटक मटक होके रास्ता में जा रही है, पता नहीं गाड़ी आ रहा है ना जा रहा है, अभी घर जाना है हम लोग को, तो देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। हाँ अभी शाम हो गया, देखिए इतना हम लोग काम कर रहे हैं शाम हो जा रहा है हम लोग का काम करते करते, पसीना निकल निकल के गर्मी में हालत खराब हो गया है। और कहाँ पे गेम दिए थे वो भी बता नहीं सकते। ठीक है तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।